कभी जांच करने की कोशिश की आपने? या तो आपकी कार्रवाई फर्जी रहती है या आपके विटनेस फर्जी रहते हैं। सीजर विटनेस कैसे हॉस्टाइल हो जाते हैं? या तो पैसे ले लेते हैं सर, फिर उसके बाद हॉस्टाइल तो होते पैसे ले हैं। लेते तो उनके खिलाफ कितनों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज किया? सेकेंड एप्लीकेशन क्या फर्स्ट बदल गया पहली के बाद में? ब्लड लिबर्टी वाज ग्रांटेड आफ्टर मटेरियल विटनेसेस एग्जामिन ब्लड दे हैव बीन एग्जामिन्ड। यस फाइव ब्लड टू सीजर विटनेस एंड थ्री इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड। केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन ब्लड ऑल ऑफ देम हैव बीन डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल ब्लड। केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज ब्लड दैट ही वाज सेलिंग ब्लड स्पूरियस इंजन ऑयल ब्लड इन द नेम एंड गिविंग लेबल ब्लड ऑफ ओरिजिनल ब्लड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द कंपनी। इसकी रिपोर्ट क्या आई ऑयल की? ऑयल की सर लास्ट टाइम पूरा आर्गुमेंट हुआ था, एफएसएल रिपोर्ट आ गई थी, इंडियन ऑयल की भी रिपोर्ट आ गई है। ये कभी जांच करने की कोशिश की आपने? या तो आपकी कार्रवाई फर्जी रहती है या आपके विटनेस फर्जी रहते हैं। सीजर विटनेस कैसे हॉस्टाइल हो जाते हैं? सीजर विटनेस तो हॉस्टाइल है सर, यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस। ये तो कैसे हो जाते हैं? ये तो कैसे हो जाते हैं समझ जाइए ना। पुलिस कैसे लोगों को विटनेस बनाती है और क्या क्या प्रोवोकेशन रहता है? या तो पैसे ले लेते हैं सर, फिर उसके बाद हॉस्टाइल तो होते पैसे हैं। ले लेते तो उनके खिलाफ कितनों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज किया? बताइए, जब सीजर विटनेस हॉस्टाइल है, जब सीजर ही डाउटफुल हो गया तो उसका रिपोर्ट क्या करेगी? इनके साइन है क्या उस पे? सीजर में सर, सीजर में नहीं, सैंपलिंग पे। जब आपने सैंपल लिए, सैंपल भेजे जांच के लिए, जी सर दिखाइए। ये सर सैंपल लिया है, स्थान पंचनामा जो लिया है और जो जब्त किया है सर, उसमें जांच हेतु केंद्र ये सर, इसमें सही नहीं है। ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, सैंपल लेके फिर भेजा गया उसके बाद। और जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जो रिपोर्ट है सर, ये तो रैपर के लिए अधिकृत है ही नहीं है, रैपर भी बनाए हैं, उसकी रिपोर्ट भी लगी है। कहाँ नाम लिखा है इनका? ऊपर सर जसविंदर जी सर नहीं, तैयार पंचनामा जी जसविंदर सिंह का माधव इतना, ये तो नाम लिखा है, साइन कहाँ है इसके ऊपर? इनके पंचनामे पे हस्ताक्षर कहाँ हो रहे हैं इनके, ये तो देख लीजिए। जिसके यहां से सैंपल लिया उसका नाम है सर, ये तो अभी अरेस्ट हुए हैं सर, अरे ये अभी 1 साल तक तो फरार रहे हैं। अच्छा, इसके प्रेजेंस में सैंपल लिया गया था, हाँ ये घटना स्थल से जो सैंपल सब लिए उसके तो गवाह हॉस्टाइल हो गए ना जी सर, और 1 साल बाद अभी अरेस्ट हुए हैं सर। घटना जो है 17/9/2021 की है और 15/7/2022 को तो ये अरेस्ट हुए। चालान पेश हो गया? हाँ चालान पेश हो गया सर। विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड फॉर हिम ऑल दिस टाइम। ठीक है, क्या होता है कई बार फरारी में चालान पेश होता है ना, इसलिए मैंने पूछा। इनका हो गया तो गवाही इन्हीं के लिए चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड एंड देन विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड। संकल्प पुत्र लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट जसविंदर सिंह
वाइफ ऑफ लेट श्री इंदर सिंह, वाइफ है ये, लेडी है ये सर, सन, फिर करेक्ट करिए इसको जाकर जी, गलत क्यों लिखते हैं? सन ऑफ लेट श्री इंदर सिंह सबमिटेड दैट दिस इज सेकंड बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, केस क्राइम नंबर 615 ऑफ 2021, रजिस्टर्ड एट पुलिस स्टेशन कोतवाली डिस्ट्रिक्ट सतना फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 465, 467, 468, 471, 482, 487, 488 आईपीसी एंड सेक्शन 63 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957. Applicant is in custody since 10/7/2022. Full stop. First application was dismissed on 5th September 2022 in MCRC 3664 of 2022 with liberty to renew prayer once material witnesses are examined before the court of law.